अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फैद मलिक और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब करें और हमारे इस्लामिक दुनिया फैमिली से जुड़ जाएं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का सबक सुन लीजिए। अगर मुस्तजाबल दुआ बनने का आपको शौक हो तो एक नबवी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। हमारी और आपकी हर तरह की जायज़ हाजात, हर तरह की दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह पाक दुआएं कबूल करेंगे तो उसका नबवी नुस्खा ये है। ध्यान से सुन लें, याद कर लें, यह बेहतरीन गिफ्ट है। याद रखें, अपने बच्चों को भी याद करा लीजिए। रात को जब सोने लगें अपने बच्चों को भी ये याद करा लें। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी 25 मरतबा या 27 मरतबा रोज़ाना ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वल्मुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात। दोबारा से आपको बता देता हूं, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वलिल्मुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात 25 मरतबा पढ़ें या 27 मरतबा पढ़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जुबान से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल करेगा और इसकी बरकत से आसमानों से रोज़ियाँ भी उतारी जाएंगी और लोगों को भी रोज़ियाँ मिलेंगी। बहुत बड़ी फजीलत है। इसके लिए आप याद कर लीजिए। तर्जमा भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर अरबी ना पढ़ सकें तो आप 27 मरतबा तर्जमे के साथ पढ़ लें। ए अल्लाह पाक, मुझे माफ़ कर दीजिए और मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को माफ़ कर दीजिए और मुसलमान मुसलमीन मर्दों को और मुसलमान औरतों को माफ़ कर दीजिए। 27 मरतबा ये पढ़ लें, आपकी दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। जब आप दुआ कर लें तो मेरे लिए भी दुआ कर लें भाई। अल्लाह पाक हम सबको मुस्तजाबुल दुआ बनाए। ये वो अल्फाज हैं, अगर आप इसके साथ जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। और किसके ज़बान से लिखने हैं? इमामुल अंबिया की ज़बान से निकले हैं। और हमारा ये अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो सच कहा है, जो भी कहा है हमारा ये यकीन है कि वो गलत नहीं हो सकता। आप इस अमल से दुआ मांगें, आपकी जो भी दुआ होगी अल्लाह पाक ज़रूर पूरी फरमाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين